एक गांव था जहां मछुआरे रहते थे, मछुआरे हो जो कि मछली पकड़ते थे। पूरा गांव के जो भी मछुआरे थे, एक अपना जहाज होता है उनके पास, छोटा जहाज जो कि लेकर के वो समुद्र में उतरते हैं। इतना छोटा होता है कि वो ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते समुद्र में, ज्यादा गहराई में जाने में रिस्क होता है उन जहाजों में। तो पूरा गांव अपना सुबह उठता था, समुद्र की तरफ बढ़ जाता था और चल देता था मछली पकड़ने के लिए। कई बार अच्छी मछलियां भी हाथ लग जाती थी, तो कई बार साधारण मछली का, कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ जाता था अपने घर का गुजारा चलाने के लिए। कई बार उसको बेचने के लिए उसका यूज करते थे उन मछली का। मछली ही उनका मुख्य साधन था अपना काम चलाने का, रोजगार करने का। बहुत वर्षों से यही परंपरा उस गांव में चलती चली आ रही थी। इन मछुआरों में एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा, कब तक चलेगा ऐसे, कब तक रोज सुबह उठूंगा, ये बोट लेकर जाऊंगा और कभी मछली मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, कभी छोटी मिलेगी कभी बड़ी मिलेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा, इतने से बात नहीं बनेगी। उसने डिसाइड किया वो बड़ा जहाज खरीदेगा जो कि एक ज्यादा गहराई तक जा सके, समुद्र में और अंदर जा सके। इसके लिए वो बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, बैंक से लोन मांगा, बैंक ने लोन दे दिया। उसने बड़ा जहाज खरीद लिया, बड़ी जाल खरीद ली और धीरे धीरे उसने काम शुरू किया और उसको बड़ी सफलता मिलने लगी। वो जब जब अंदर जाता और गहराई में जाता उसको खूब मछली मिलती, इतनी मछली मिलने लगी कि उसने समय के पहले ही जो जहाज का किस्त थी, जो बैंक से उसने लोन लिया था, वो चुकना लगा। उसने एक नाव की किस्त चुका दी। उसने और अपना काम बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते उसने एक जहाज और खरीदा, उस पर कुछ लोग हायर करके उसको बैठाए और उसको चलवाना शुरू किया। एक समय ऐसा आया इसने तकरीबन 10 जहाज खरीद लिए। इसको मजा आने लगा इस काम में, इसको सफलता मिलने लगी इस काम में, जिले भर में राज्य भर में इसका नाम हो गया, मछली का बहुत बड़ा सप्लायर बन गया। फिर क्या था, इसने खुद जाना बंद कर दिया, उस जहाज पे जाना बंद कर दिया। उसने सोचा मैं कुछ और बिजनेस करता हूं, इसी बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने सोचा क्यों ना मैं तालाब बनाऊं, खूब सारे तालाब इसी गांव में, क्योंकि कई बार समुद्र में टाइड्स आ जाते हैं, कई बार तूफान आ जाता है तो लोग समुद्र में जा नहीं पाते, उसके वजह से इसके रोजगार को नुकसान हो रहा था। इसको लगा मान लेते हैं कि यदि महीने में एक बार भी ऐसा हो जाता है कि तूफान आ गया तो फिर उस दिन मेरा काम बैठ जाएगा, क्यों ना खूब सारा तालाब बनाऊं और जब ऐसी नौबत आए तो तालाब से मछलियों की सप्लाई करूं, कि मेरा काम भी नहीं रुकेगा और चीजें भी सही से चलती रहेंगी। इसे तालाब बनाए और इस तरह से इसका रोजगार चलता गया, ये बहुत बड़ा सप्लायर बन गया और काफी पैसे कमा लिए बिना घर से निकले, चाहे तो निकले नहीं मन करे तो ना निकले। उसने बहुत सारे सोर्स उत्पन्न कर दिए पैसे कमाने के। हम सब के लाइफ में, हम सब के जीवन में ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके जरूर मिलते हैं जब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, जब इसने ऐसा करने का सोचा होगा, उधार लेने का सोचा होगा वो भी बैंक से, तो इसके आसपास के, इसके दोस्तों ने, इसके रिलेटिव्स ने क्या बोला होगा, गो फॉर इट, हाँ हाँ तुम ही कर सकते हो। नहीं ना, ऐसा नहीं बोला होगा, बोला होगा कहाँ बेवकूफी कर रहे हो, ठीक ठाक अपना काम चल रहा है, उधार लोगे, पता नहीं क्या होगा, जहाज चलेगी नहीं चलेगी, वहां भी मछली मिलेगी नहीं मिलेगी, जैसा जनरली लोग डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। हमें उसी टाइम पर हमारा ये डिसीजन लेना होता है कि हमें करना क्या है, हमारे ख्वाब क्या हैं। हमारे ख्वाब वही हैं क्या कि रोज थोड़ी थोड़ी मछलियां लाएंगे, अपने घर का किसी तरह से गुजारा चलाएंगे? नहीं ना, यदि हमारे ख्वाब बड़े हैं, हमारे ख्वाब इतने बड़े हैं कि हमें थोड़े से काम नहीं चल रहा, हमें पैसिव इनकम की तरफ बढ़ने की इच्छा हो रही है, तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़े बहुत रिस्क के तो रेडी रहना पड़ेगा। जीवन में हमेशा दो मौके होते हैं, एक रिस्क लेने का, एक रिस्क ना लेने का, या फिर ऐसे कह लीजिए जब जहां पर हैं वहीं रहने का या फिर वहां से आगे बढ़ जाने का। लोग क्या करते हैं, रिस्क ना लेना ही पसंद करते हैं, कहते हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कौन टेंशन लेगा। कहते हैं विश्व में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, विश्व में जितने भी बड़े प्रयोग हुए हैं, वो पागलों ने ही किए हैं, लोग उन्हें पागल कहते हैं,
जब सेलुलर फोन की बात चल रही थी, लैंडलाइन फोन था, फिर भी किसी ने ख्वाब देखा कि हम ऐसा फोन बनाएंगे जो कि कॉर्डलेस हो, कोई कहीं से कहीं लेकर घूम सके और बात कर सके। जब उसने ख्वाब लोगों के साथ डिस्कस किया तो लोगों ने उसको पागल कहा, उसको घोषित कर दिया था, लोग उसको पागल बोलने लगे थे, मगर उसने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, उसने अपनी डिजायर नहीं छोड़ी। उसने कहा नहीं, यदि मैंने सोचा तो बना के रहूंगा। और जो ज्यादा समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे, रिस्क ना लेने वाले, सेफ खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इन्हीं पागलों के अंदर रोजगार कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते, उनके ख्वाब को पूरा कर रहे होते हैं। विश्व पागलों ने ही बदला है और हमें भी पागल हो जाने की जरूरत है। जब तक हम वो सेफ्टी मेजर लेके चलेंगे ना कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लोग वैसा कर रहे हैं, हम भी वही कर लेते हैं, तब तक बात नहीं बनती, तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लोगों के कहे को भूलना पड़ेगा, लोगों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। ये मछली की कहानी, ये बोट की कहानी आप चाहें तो अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। ये कहानियां जो आजकल मैं सुना रहा हूं, उसको किसी एक जगह तक सीमित, किसी एक व्यापार तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। वो किसी भी व्यापार में, किसी भी धंधे में चल सकता है। कुछ भी आप करते हो, इन कहानियों को आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जो है उससे सेटिस्फाइड मत होइए, जितना है उससे सेटिस्फाइड मत होइए, और ज्यादा की इच्छा रखिए और खूब कमाइए। और यदि आपको लगता है बहुत कमा रहे हैं तो और ज्यादा आपको कमाना चाहिए कि आप उसके बाद समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज कल्याण के लिए कुछ कर सकें। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।